सागर की केसली तहसील में पदस्थ रीडर कृष्णकांत मसराम को लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि बेनामा पास करने के एवज में रीडर ने रिश्वत की मांग की थी। सहजपुर निवासी फरियादी राजू चौरसिया ने बताया कि वो 2019 से बेनामा पास करवाने तहसील के चक्कर काट रहा है। तहसील के रीडर कृष्णकांत मसराम ने 6,000 लेकर बेनामा पास करवाने की बात कही। फरियादी राजू चौरसिया दिव्यांग है, इसके चलते मामला 2,500 की पहली किस्त में तय हो गया। तय योजना के चलते मसराम ने तहसील के गेट पर फरियादी से 2,500 बतौर रिश्वत ली। मौके पर मौजूद लोकायुक्त सागर के निरीक्षक बीएम द्विवेदी और उनकी टीम ने मसराम को रंगे हाथों धर दबोचा। किस संबंध में मांगे थे, क्या करने के लिए? बेनामा पास करवाने। कितने मांगे गए थे? पहले तो हमसे ज्यादा मांग गए थे, लेकिन अब कल गए थे तो उन्होंने हमसे बोला कि 3,000 रुपये दे देना, तो मैंने कहा कि 2,500 रुपये ले देना। नाइन टू फाइव जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं, अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। नाइन टू फाइव जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं, अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। जीवन बीमा द्वारा बचत क्यों करें? ये बचत के साथ जोखिम भी कवर करता है। ये कंपलसरी और सिस्टमैटिक सेविंग्स के साथ बचत प्रदान करता है। ये कर्ज वगैरह के रूप में लिक्विडिटी देता है। इन्हें कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। लागू नियम अनुसार टैक्स कंसेशन भी मिलता है और पात्रता के आधार पर पाए बोनस के रूप में लाभ। भविष्य में अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो आप पर है हमारी सुरक्षा की छाया। LIC, हर पल आपके साथ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।